छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने किया नामांकन दाखिल। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक भोला राम साहू उपस्थित रहे। सीट पर भूपेश बघेल का मुकाबला भाजपा सांसद संतोष पांडे से है। राजनांदगांव सीट पर मतदान दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा। बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर तक काम और गारंटी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी सीटों में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की स्कीम महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर कहा कि इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह योजना माता और बहनों को आकर्षित कर रही है। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच आज फिर बीजापुर के गंगालूर इलाके के कोरचोरी और लेंड्रा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ इंसास LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप सिंह होरा का 1 अप्रैल की रात निधन हो गया। आज मंगलवार को उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायपुर के साई नगर निवासी दिलीप सिंह होरा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के चौकी भवरपुर क्षेत्र के ग्राम हेडसपाली की रहने वाली अमृता प्रेमी और उनके पति गेंदराम प्रेमी ने पुलिस के खिलाफ विभाग के उच्च अधिकारी से लिखित शिकायत की। शिकायत में कहा कि 29 मार्च को भवरपुर चौकी से कुछ पुलिस वाले 6 से 7 की संख्या में आए और जबरदस्ती घर में घुसकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर से सोने का लॉकेट और नकदी चोरी कर ली। बिलासपुर में शराब पीकर स्कूल में हुड़दंग मचाना शिक्षक को पड़ा भारी। मस्तूरी के मचहा प्राथमिक स्कूल में शराब पीने वाले शिक्षक संतोष कुमार केवट को सेवा से कर दिया गया बर्खास्त। घटना का वीडियो सामने आने पर उसे निलंबित भी किया गया था। अब कलेक्टर के अनुमोदन के बाद DO ने शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। बस्तर जिले में एक हेड कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सामने आया। मुर्गा बाजार में वह सादे कपड़ों में ग्रामीणों से पैसे की मांग कर रहा था। उसके साथ गाली गलौज कर अंदर करने की धमकी भी दी उसने एक ग्रामीण की पिटाई की तो गुस्साए ग्रामीणों ने हेड कांस्टेबल की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि हेड कांस्टेबल का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में इस साल अप्रैल सामान्य से थोड़ा गर्म रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दिन का तापमान औसत से थोड़ा अधिक रहेगा। पश्चिम से आने वाली शुष्क हवा उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से को गर्म करते हुए शेष छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इसके असर से रायपुर से लेकर बस्तर संभाग तक अच्छी गर्मी पड़ने के संकेत हैं। छत्तीसगढ़ में BA डिग्रीधारी टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में BA उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में रिवाइंड चयन सूची जारी कर DL पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BA पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। रायपुर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बाइक रैली का आयोजन किया। मंगलवार सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी बुलेट चलाकर मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवाने स्वीप कार्यक्रम के तहत बाइक रैली निकाली गई थी। सक्ती के सकरेली गांव में रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के बनने के बाद सकरेली गांव के बीच से गुजरने वाले रेलवे लाइन के फाटक को बंद करने का फैसला लेते हुए वहां दीवार खड़ा करने की तैयारी में है, जिसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। सकरेली गांव के सैकड़ों ग्रामीण सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा। राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 31 मार्च तक की स्थिति में 28 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 8 करोड़ 12 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। वहीं 31 मार्च तक 22,775 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही 1,52,00,000 रुपए कीमत की 827 किलो अन्य नशीले वस्तुएं जब्त की गई।
बस्तर में धर्मांतर रोकने विशेष समुदाय के लोगों का गांव में पांचवी अनुसूची के नियमों का हवाला देकर और ग्राम सभा पारित कर विशेष समुदाय के लोगों के व्यवसाय कारोबार और रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा विशेष समुदाय का कोई भी बाहरी व्यक्ति के गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नियमों के विरोध में सोमवार को बस्तर जिले के लोहड़ी गुंडा ब्लॉक के विशेष समुदाय के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और एक घंटे तक जगदलपुर चित्रकोट मार्ग पर चक्का जाम किया। जसपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में चार आरोपियों ने दो सगी बहन समेत तीन नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में दो बालिग और दो नाबालिग हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें एक आरोपी सुनील अजगले और दूसरे का नाम अभिषेक अजगले है।